गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं हूँ एडी सर और हम लोग अभी सीख रहे हैं कंसाइनमेंट। तो हम लोग लास्ट जो वीडियो किए थे उसमें कंसाइनमेंट में कितने पार्ट तक किए थे, खाली हम लोग सीखे थे कंसाइनी एक्सपेंसेस जो नॉन रिकरिंग और रिकरिंग में बटा हुआ है और उसको उसका क्या क्या लिस्ट है वो भी बताए थे। तो आज हम लोग सीखेंगे लॉसेस। यहाँ पर दो लॉस होता है, एक होता है नॉर्मल लॉस, दूसरा होता है एबनॉर्मल लॉस। अब नॉर्मल लॉस आप किसको कहेंगे, जो लॉस अनअवॉइडेबल है, आप किसी भी तरह जो लॉस को अवॉइड कर नहीं पाओगे, जो होना ही है बाय नेचर वो होगा, उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल लॉस। और जो लॉस हम अवॉइड कर सकते हैं उसको हम लोग बोलेंगे एबनॉर्मल लॉस। अब नॉर्मल लॉस का कोई वैल्यूएशन नहीं बनता, लेकिन एबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन होता है। जैसे कि देखिए, कोई अगर आप अगर फ्रूट्स का बिजनेस करोगे ना, तो आप पहले क्या करोगे, फल पट्टी से जाके कुछ फल फ्रूट्स खरीदोगे। तो मान लीजिए एक बॉक्स में 100 फ्रूट्स रहता है, 100 एप्पल रहता है। अब देखिए, आपको भी मालूम है दुकान और आप जो माल बेच रहे हैं उसको भी मालूम है कि अगर आप बॉक्स को ओपन करोगे तो 100 में से 100 अच्छा गुड्स नहीं मिलेगा, उसमें से 4-5 खराब मिल सकता है। तो रोज का बात है ये, आप किसी से भी खरीदो, जहाँ से पैक होकर आ रहा है उसमें 100 में से 5 यूनिट आपका खराब निकलेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल लॉस, डे बाई डे हो रहा है। लेकिन अगर किसी दिन अगर आप बॉक्स खुल के आपको लगे कि वो आप लगे नहीं, आप काउंट करने के बाद देखिए कि उसमें 5 नहीं, 5 से ज़्यादा 10 या 12 यूनिट खराब है, तो आपको गुस्सा आएगा। आप ये भी सोचोगे कि कितना ज़्यादा एक्स्ट्रा लॉसेस हुआ, आप मन ही मन अपना वैल्यूएशन कर लोगे। तो उसको बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस। जितना आपका नॉर्मल लॉस होना चाहिए ना, जितना यूनिट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि रोज रेगुलर नॉर्मल लॉस होता है, उससे ज़्यादा अगर हो गया तो उसको हम लोग बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस। आगे सेमिस्टर 2 में हम सीखेंगे कॉस्टिंग में कि मान लीजिए रेगुलर 5 यूनिट खराब निकला है, किसी दिन बॉक्स खोलने के बाद आपको आप देखें कि एक ही यूनिट खराब है, तो देखिए आपको थोड़ा खुशी होगी। क्यों? क्योंकि रोज तो 5 यूनिट खराब निकलता है, आप तो वो मान ही लिए कि हर बॉक्स में 100 नहीं 95 रहेगा, 5 खराब रहेगा। किसी दिन बॉक्स खोल के आपको आप देखें कि 99 मिला, यानी 4 अच्छा गुड्स है। तो इसको ये भी आपका एक्सपेक्टेशन नहीं था, आपके एक्सपेक्टेशन से बाहर है और ये अच्छी न्यूज़ है कि 4 यूनिट अच्छा हुआ। तो हम आप उसको बोलेंगे एबनॉर्मल गेन। लेकिन हम लोगों का कंसाइनमेंट में एबनॉर्मल गेन का कोई फंडा नहीं है। हम लोग यहाँ सीखेंगे दो टाइप का लॉस होता है, एक नॉर्मल लॉस, दूसरा एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस को हम लोग एक्सीडेंटल लॉस भी बोल सकते हैं, लॉस बाय फायर भी बोल सकते हैं, कुछ भी हुआ जो नॉर्मल आप अवॉइड कर सकते थे लेकिन अवॉइड कर नहीं पाए। तो ऐसे से लॉस का हम वैल्यूएशन बनाएंगे। लेकिन एक बात याद रखना कि बोथ केस में, चाहे वो आपका नॉर्मल लॉस हो या एबनॉर्मल लॉस हो, आपका यूनिट तो कम ही हो रहा है ना, तो यूनिट माइनस होगा, खाली अमाउंट माइनस नहीं होगा। और लास्ट वीडियो में हम लोग क्या देखे थे, नॉन रिकरिंग रिकरिंग का लिस्ट बनाए थे। आप में से कुछ लोग मेरे को पर्सनली व्हाट्सअप किए थे, हम बताए थे कि और आगे जाके और भी 2-4 एक्सपेंडिचर ऐड हो सकता है, या आप लोग भी अगर कुछ 2-4 एक्सपेंडिचर के बारे में डाउट है तो मुझसे पूछ लेना, मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया है उसमें आप लोग क्वेश्चन कर लेना वीडियो देखने के बाद। हम लोग अभी ये वीडियो बंद कर रहे हैं, लेकिन इस वीडियो के बाद हम लोग दूसरा वीडियो करेंगे, उसमें हम लोग सीखेंगे कैसे वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक इन ट्रांजिट, लॉस इन ट्रांजिट, एबनॉर्मल लॉस, ये सब कैलकुलेट करते हैं स्टॉक एंड कंसाइनमेंट स्टार्ट कर कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, दरअसल हम लोग कंसाइनमेंट सम चालू करने से पहले थोड़ा वर्किंग नोट सीख लेंगे कि आपका बहुत सारा वैल्यूएशन रहता है लॉस इन ट्रांजिट, एबनॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट। उसके लॉस इन ट्रांजिट और एबनॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट सेम ही है, हम गलती से दोनों एक ही बार रिपीट कर दिए। एबनॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट कैसे निकालते हैं, स्टॉक इन ट्रांजिट कैसे निकलते हैं हम लोग, वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक कैसे निकलते हैं। और एक बात याद रखना, कोई लॉस, आप कंसाइनर हो, आप गुड्स भेजे कंसाइनी के पास पहुंचने से पहले अगर लॉस हुआ तो उसको हम लोग बोलेंगे एबनॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट, और उस ट्रांजिट में कंसाइनी का कोई भी खर्चा ऐड नहीं होगा। बात को ठंडे दिमाग से सोचिए, आप कलकत्ता से बॉम्बे माल भेजे, बीच में रास्ते में ही कुछ गुड्स चोरी हो गया या आग लग गया, तो कंसाइनी के पास तो वो वाला माल पहुंचा ही नहीं ना। तो जब तक कंसाइनी के पास वो माल नहीं पहुंच रहा है, तो कंसाइनी का कोई भी खर्चा लॉस इन ट्रांजिट के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, आगे जाके हम लोग दूसरे वीडियो में चेक कर लेंगे।